साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास बुलेटिन बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों का। महाराष्ट्र में शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के महाअघाड़ी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी के महासचिव विश्व बंधु राय ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि एनसीपी कांग्रेस को दीमक की तरह कमजोर कर रही है। मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी के महासचिव विश्व बंधु राय ने सोनिया गांधी को भेजे पत्र में लिखा है कि सरकार में हमारे सहयोगी दल सोची समझी रणनीति बनाकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। हम इसे रोकने में असफल हो रहे हैं। साथ ही 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए चुनावी वादों पर कोई काम नहीं किया जा रहा है। पार्टी से पलायन को रोकने के लिए कुछ ठोस कदम आवश्यक हैं। उन्होंने पत्र में लिखा कि महाराष्ट्र अघाड़ी सरकार को लगभग एक वर्ष पूरे हो गए हैं। इस दौरान कांग्रेस पार्टी केवल एक सहयोगी के तौर पर ही नजर आ रही है। सरकार चलाने की भूमिका में शिवसेना और एनसीपी ही नजर आ रहे हैं। एनसीपी कांग्रेस पार्टी को दीमक की तरह कमजोर कर रही है। आपको बता दें कि आगे ये कहा गया है कि शिवसेना और एनसीपी कांग्रेस के वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने में सफल हो रहे हैं। तो ये तमाम बातें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को पत्र के द्वारा लिखी गई है। शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के महागाड़ी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी के महासचिव विश्व बंधु राय ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि एनसीपी कांग्रेस को दीमक की तरह कमजोर कर रही है। रीजनल कांग्रेस कमेटी के महासचिव विश्व बंधु राय ने सोनिया गांधी को भेजे पत्र में लिखा है कि सरकार में हमारे सहयोगी दल सोची समझी रणनीति बनाकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। और इस मसले पर चर्चा के लिए समय दो मेहमान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस से अनुज अत्री जी इस समय मौजूद हैं लाइव हमारे साथ और इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले अनुज जी आपके पास आना चाहेंगे। विश्व बंधु राय ने सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा है और उस पत्र में साफ तौर पर यह कहा गया है कि एनसीपी कांग्रेस को दीमक की तरह कमजोर कर रही है। आपकी प्रतिक्रिया, क्या वाकई में एनसीपी ऐसा कुछ कर रही है? देखिए, मुझे नहीं लगता पर्सनली, मैं देखूं कि इस तरह का कोई भी किसी तरह का एनसीपी का कोई मंशा होगी, क्योंकि एनसीपी एक हमारा बहुत पुराना सहयोगी दल है और एनसीपी के साथ लगातार हमने जो है महाराष्ट्र में सरकार 10 वर्ष तक चलाई है। यूपीए में हमारे वो सहयोगी रहे हैं तो, और अब दोबारा से बीते 1 वर्षों से हमारी सरकार चलती आ रही है, लगातार हम निकाय चुनाव भी उनके साथ मिलते आ रहे हैं, तो किसी प्रकार की आपस में हम लोगों में राइवलरी नहीं है। तो जिससे कोई ऐसा कुछ देखा जाए कि एनसीपी कमजोर करे या कांग्रेस एनसीपी को कमजोर करे, हम लोगों के इस तरह के संबंध नहीं है। अब उनको कैसा क्यों प्रतीत हुआ, किसलिए प्रतीत हुआ, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी को चिट्ठी लिखी है, पत्र लिखा है, हो सकता है किसी एक क्षेत्र में कहीं कुछ इस तरह की कोई उनको लगा हो और जो उनके सामने आया हो विश्व बंधु जी की, तो ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का देखने का काम है, वो लोग उस पर संज्ञान लेंगे। और ऐसा नहीं है कि पार्टी कहीं से भी किसी भी राज्य में कांग्रेस पार्टी को कमजोर होने के लिए और अपने हमारे क्षेत्रीय दलों को आपस में किसी तरह का कोई उसमें कांग्रेस पार्टी को कमजोरी पहुंचाए और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व बैठ करके देखता रहे या हमारे प्रदेश नेतृत्व देखता रहे, तो वो चीज संभव नहीं है। ठीक है, संदीप जी आपकी प्रतिक्रिया भी इस पर चाहूंगी। विश्व बंधु राय ने जो कुछ भी लिखा है और अपने पत्र में कहा है कि ठीक है एनसीपी जो है दीमक की तरह कमजोर कर रही है कांग्रेस को, क्या आप इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं? क्या वाकई में ऐसा कुछ सोची समझी रणनीति बनाई जा रही है? बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ और ये जरूर है कि एक टाइम एनसीपी चीफ शरद पवार जी जो है कांग्रेस का हिस्सा होते थे, कांग्रेस के बड़े लीडर्स में शुमार होते थे, लेकिन वक्त के साथ ऐसे तरीके के कुछ डिवाइडेशन हुए कि उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली। लेकिन इस चीज को नहीं कह सकते कि एनसीपी कांग्रेस को खा जाएगी या कांग्रेस एनसीपी को खा जाएगी। अलग अलग राजनीति है, अलग अलग नेता है, अलग अलग उनके एरिया है जहाँ पे वो दोनों पार्टियां मजबूत हैं।
अडवाणी के बयानों पर अगर हम नजर डालें, चाहे वो एनसीपी चीफ शरद पवार की तरफ से दिए गए हो या शिवसेना के इस मुखपत्र सामना में जो चीजें लिखी गई हों, वो कुछ ना कुछ ऐसा ही दर्शा रही हैं। देखिए, शरद पवार ने कहा था कि राहुल गांधी में निरंतरता की कमी लगती है, और इसके साथ ही उन्होंने अलग अलग कई ऐसे बयान दिए थे जो कांग्रेस के पक्ष में कहीं से भी नजर नहीं आ रहे थे। इन बयानों को देखने के बाद और विश्व बंधु राय के पत्र को देखने के बाद लग रहा है वाकई में कहीं आपके वोट बैंक को ले तो नहीं गई है एनसीपी। अनुज जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी। सर, मेरा सवाल, क्या आपने मेरा सवाल सुना है या मुझे रिपीट करना है? हाँ, मैंने बिल्कुल, नहीं, मैंने बिल्कुल सुना कि ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस एनसीपी के वोट बैंक में सेंध लगाएगी, एनसीपी कांग्रेस वोट बैंक में सेंध लगाएगी, क्योंकि हम लोग आपस में कहीं ऐसा तो है नहीं कि किसी सीट पर आपस में हम लोग लड़ते हो, तो हम उनकी सीट से वोट दे रहे हो या वो हमारी सीट से। हमारा अलायंस है, अलायंस का मतलब है कि हम आपस में नहीं लड़ते हैं। जिस सीट से हमारा कैंडिडेट लड़ता है वहां से एनसीपी का नहीं लड़ता, और जहां से एनसीपी का कैंडिडेट लड़ रहा है वहां से कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं लड़ रहा है। नहीं, वो कह रहे हैं ना कि कांग्रेस सिर्फ सहयोगी दल की भूमिका में नजर आ रही है, सरकार चलाने की भूमिका में तो सिर्फ शिवसेना और एनसीपी है। देखिए, मैं उस पर टिप्पणी करना नहीं उचित समझूंगा, लेकिन ये सबको मालूम है कि क्यों उन्होंने ऐसा उनको प्रतीत हुआ, इसका मुझे नहीं समझ में आया। लेकिन कांग्रेस क्यों नहीं सहयोगी है सरकार में, ये बताइए। कांग्रेस के क्या हमारे सहयोग होने का क्या मतलब है? हम कोई बाहरी समर्थन नहीं दे रहे हैं, हम कांग्रेस सरकार में शामिल हैं, जिसकी जितनी संख्या बल के आधार पर उतने मंत्री हैं, तो उतने ही मंत्री कांग्रेस की भी वहां पर है, और जो मंत्री हैं वो अपने स्वतंत्र होकर के अपने मंत्रालय चला रहे हैं। और कोई भी अगर ये जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार बनी थी, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, विश्वबंधु जी को भी पता है कि एक कॉमन मिनिमम एजेंडा के तहत बनी थी। शिवसेना और एनसीपी ने तो बहुत पहले अपना मन बना लिया था सरकार बनाने का, लेकिन जब तक कांग्रेस की हरी झंडी नहीं मिली थी, उस वजह से एक महीना लगभग जो रुका रहा सरकार का गठन का काम। कांग्रेस ने अपनी शर्तों पर यह सरकार बनाने का काम करवाया है, और हमारा ही एक एजेंडा के तहत ये सरकार चल रही है। तो इसमें निश्चित तौर पर कोई छोटा या बड़ा भूमिका में नहीं होता। हाँ, सीटों का आधार पर जरूर ठीक है, उनके दोनों की हमसे सीटें वहां पर ज्यादा आई हैं, तो उनकी भूमिका थोड़ी बड़ी है, लेकिन एजेंडा अगर देखा जाए और सरकार किन शर्तों पे काम कर रही है, वो कांग्रेस की अपनी हमारी एक समान विचारधारा के तहत सरकार चल रही है। आज शिवसेना को भी अपना जो एक कट्टरवादी छवि थी, इनको पहली शर्त रखी गई थी कि किसी प्रकार का ये सरकार के ऊपर ऐसा ये चीज नहीं होनी चाहिए। हम लोग एक धर्मनिरपेक्ष दल के लोग हैं और हमारी सरकारें भी धर्मनिरपेक्ष होती हैं, तो इसमें सब धर्मों का जो है एक समान रूप से सम्मान होना चाहिए, और वही महाराष्ट्र में हो रहा है। जो उससे पहले शिवसेना जब भारतीय जनता पार्टी के साथ रहती थी, तो तमाम तरह के उनके ऊपर सांप्रदायिक होने के आरोप लगते आए लगातार, लेकिन जब से हमारी सरकार बनी है तो सांप्रदायिकता का महाराष्ट्र में कोई नाम नहीं ले सकता, धर्मनिरपेक्षता की बात की जाती है, और उसी के तहत सरकार चल रही है कि सब धर्म के लोगों को जो है सम्मान मिलेगा, और जो भी कानून बनेगा, जो भी सरकार पॉलिसी लेके आएगी, उसमें महाराष्ट्र की जनता का हित होगा, ना कि किसी वर्ग विशेष का, किसी धर्म विशेष का, किसी जाति विशेष के आधार पर लेकर के राजनीति नहीं की जाएगी। ठीक है, संदीप जी, एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते महाराष्ट्र की राजनीति को फिलहाल आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पत्राचार आजकल कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अभी सोनिया गांधी ने भी कुछ दिन पहले पत्र लिखा था और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की याद दिलाई थी, जिसके बारे में अभी अनुज जी भी बात कर रहे थे। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया है, और यही बात विश्व बंधु राय ने भी अपने पत्र में लिखी है कि अभी उस पर तक ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो क्या समझा जाए, महाविकास अघाड़ी की सियासत को इस समय आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए पल्लवी जी, मैं आपको बता दूं, ये तो जग जाहिर है कि जो तीनों दल हैं अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार कार्य करते हैं, अपनी अपनी मिनिस्ट्री उनको मिली हुई है, लेकिन ये चीज भी सबको मालूम है कि सबके बीच में जिस तरीके का एक बॉन्डेशन होनी चाहिए, उस बॉन्डिंग की कमी है, और यही वजह है कि किसी न किसी के इस तरीके के गलत स्टेटमेंट आते हैं कि आपसी तनाव लगातार तीनों दलों में बना रहता है। और आपको एक चीज और ध्यान देना पड़ेगा पल्लवी जी, जिस तरीके से पिछले कुछ समय में सोशल मीडिया पर भी उद्धव ठाकरे के ऊपर लोग आक्रमण करते रहते हैं कि उद्धव ठाकरे ने माताश्री को सोनिया गांधी का माताश्री बना दिया है, सोनिया गांधी उनकी मातोश्री हो गई है, तो इस चीज से भी ध्यान हटाने के लिए कहीं ना कहीं बीच में इस तरीके के स्टेटमेंट और इस तरीके की स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है
कि उद्धव ठाकरे अपनी जगह अडिग हैं, वो मजबूरी हो सकती है कि इस तरीके की सरकार उन्हें चलानी पड़ रही है, लेकिन वो आज भी कट्टर हैं और सोनिया गांधी या कांग्रेस का उनके लिए कोई मैटर नहीं करता है और हो सकता है ये सरकार अपने पूरे 5 साल भी पूरे ना करे। जिस दिन भी ऐसी कोई मौका और अपॉर्चुनिटी आएगी मुझे लगता है ये सरकार गिर जाएगी। और किस तरह से आप देख रहे थे कि वैचारिक मतभेद तीनों दल में है और जब इस तरह की बयानबाजी की जाती है वो भी सरेआम जब ये बातें सामने आ जाती है मीडिया में उछल जाती है, ये विपक्षी दलों को कितनी मजबूती प्रदान करती है इस तरह की बातें? देखिए निसंदेह जब भी इनमें उठा पटक होती है या इस तरीके के स्टेटमेंट्स आते हैं जो टकराव की स्थिति को दिखाते हैं तो उसमें विपक्ष में वहां पे सबसे मजबूत अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, तो इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। और भारतीय जनता पार्टी जितने भी अपने प्रोग्राम में महाराष्ट्र के अंदर करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं एक हिंदुत्व सोच वाली और कट्टरता वाली पार्टी माना और समझा जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी ये दिखाने की कोशिश करती है कि शिवसेना जो अपने आप को महाराष्ट्र के लोगों का हित में और उनकी रक्षा में मानती थी वो आज की तारीख में कांग्रेस के सामने नतमस्तक हो गई है, उन्होंने अपनी विचारधारा को कांग्रेस के सामने रख दिया और कांग्रेस से कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये शो करने की कोशिश करती है, दिखाने की कोशिश करती है, साबित करने की कोशिश करती है कि अब केवल और केवल हिंदुत्व के नाम पर और अपनी विचारधारा को आगे लेके चलने वाली पार्टी बीजेपी है, शिवसेना नहीं है। ठीक है अनुज जी, किस तरह से आप ये तमाम बातें कह रहे हैं कि ठीक है कुछ दिक्कत नहीं है महाविकास आघाड़ी में, बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन स्टेबिलिटी को लेकर ना शुरू से ही सवाल उठते रहे हैं। जब आप सरकार बना रहे थे तब भी ये बात कही जा रही थी कि आप कैसे सरकार को स्थिर रख पाएंगे, क्योंकि तीनों ही दलों की वैचारिक मतभेद जो है वो साफ तौर पर जाहिर है कि तीनों की विचार बिल्कुल अलग अलग है, विचारधारा एकदम अलग है, आप लोग मतभेद बहुत रखते थे, ऐसे में सरकार तो बना ली गई लेकिन स्टेबिलिटी को लेकर सवाल खड़े होते रहे। अब इस तरह के बयान जब बीच में आते हैं तो सवाल फिर खड़े होने लगते हैं, तो या तो आप अपने नेताओं और प्रवक्ताओं को कहिए कि ठीक है आपकी जो भावनाएं हैं अपने तक ही रखिए, इस तरह मीडिया में ना आए ताकि आप लोगों पर सवाल ना खड़े हो। दुरुस्त करनी पड़ेगी, तीनों दल एक अलग विचारधारा के नहीं है, एनसीपी और हमारा, आपको शायद ध्यान हो, मैं फिर से दिलाना चाहूंगा कि हमारा लगभग 15-17 सालों से हमारा उनके साथ अलायंस चल रहा है, और जब इतना पुराना कोई अलायंस चलता है तो एक समान विचारधारा के तहत ही अलायंस चलता है, और कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस पार्टी और एनसीपी में किसी तरह का आपस में विरोध हुआ। हाँ देखिए आपस में हम लोगों के विचार जरूर भिन्न हो सकते हैं, विचारधारा भिन्न हो सकती है, लेकिन उस विचारधारा को समानता पे लाते हुए हम लोगों ने महाराष्ट्र में 10 वर्ष सरकार में साथ रहे, इनकी सरकार में एनसीपी हमारे यूपीए में सहयोगी रही, हमारे साथ उनको मंत्रालय दिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में भी वो सपोर्ट की भूमिका में रहे और अब भी हमारे साथ। ये अलग बात है कि शिवसेना पहली बार हमारे साथ मिलकर के आई है, शिवसेना की जरूर विचारधारा हमारे एक विचारधारा से भिन्न रही है, इस वजह से कभी भी हमारा उनका मेल नहीं हुआ, और अगर अब मेल हुआ है तो वो कांग्रेस की विचारधारा के तहत जब वो आने को तैयार हुए तो मेल हुआ है। और दूसरी बात यह है कि देखिए अभी संदीप जी जैसे बता रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का लगातार यही काम है कि किसी तरह से ये आपस में हम तीनों दलों के नेताओं को भड़काना, इस तरह की बयान दिलवाना। अभी बोल रहे हैं कि कहलवाया जा रहा है कि कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं है, अभी संदीप जी ने जैसे याद दिलाया कि वही कभी शिवसेना को छेड़ने का प्रयास करते हैं, उद्धव ठाकरे जी को छेड़ने का प्रयास करते हैं कि ये तो अब मातोश्री जो है इन्होंने की सोनिया जी इनकी मातोश्री हो गई है, उनके आगे नतमस्तक रहते हैं। जब उनके आगे नतमस्तक रहते हैं इस तरह के आरोप अगर मुख्यमंत्री के ऊपर लग रहे हैं तो आप सोचिए फिर इनके हिसाब से तो जो है सबसे बड़ी भूमिका में कांग्रेस पार्टी आ गई, और वहीं कोई और किसी से कहलवा दिया जाता है कि कांग्रेस की वहां भूमिका नहीं है। ये तो राजनीति में इस तरह के बयानबाजी आते रहेंगे और लोग एक दूसरे को भड़काने का जो है भ्रमित होने का भी कहीं ना कहीं प्रयास करते रहेंगे, भ्रमित करने का प्रयास करते रहेंगे, कुछ लोग भ्रमित हो भी जाते हैं और कई बार कुछ थोड़ी बहुत आपस में खटपट हो भी जाती है तो बैठ के मसले सुलझा लिए जाते हैं। यानी कि कुछ खास है नहीं, जिस तरह की बातें लगातार कही जा रही हैं कि ठीक है महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं टूट के आसार बने हुए हैं, महज अफवाह है आपके हिसाब से? ऐसा कुछ नहीं है, सरकार एकदम सही चल रही है और अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी? बिल्कुल पूरा करेगी, 5 साल का कार्यकाल हंस के पूरा करेगी, और विकास आघाड़ी जो महाराष्ट्र की नाम से जो ये एक गठबंधन बना है तो देखिए विकास के परचम इन 5 सालों में महाराष्ट्र में लहराए जाएंगे, जो बीते भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ जो शिवसेना नहीं कर पाई थी और जो हमारी सरकार बनी है,
हमारे एजेंडा पर काम होगा तो विकास, कांग्रेस हमेशा विकास के नाम पर जानी जाती है, कांग्रेस का एजेंडा विकास में रहता है, चाहे हम लोग प्रमुख भूमिका में हो, हमारे वहां मुख्यमंत्री हो या हम सहयोगी दल की भूमिका में हो, लेकिन एजेंडा एक ही रहेगा कि विकास, विकास की बात की जाएगी, विकास के लिए पॉलिसीज बनाई जाएगी और उसी पॉलिसीज के लिए काम किया जाएगा। ठीक है सर, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र को एक स्थिर सरकार मिले और 5 साल का कार्यकाल आप अपना जो है पूरा करें, लेकिन जब इस तरह के बयान आते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल उठने लाजमी है। आप दोनों का शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि अब जो लेटर इस समय लिखा गया है विश्व बंधु राय की तरफ से सोनिया गांधी को, वो चर्चा का विषय बना हुआ है और इस लेटर के सामने आने के बाद से लगातार ये बातें कही जा रही है कि महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी में कुछ गड़बड़ चल रही है। खैर, देखने वाली बात यह रहेगी कि सरकार में वाकई में कुछ गड़बड़ चल रही है या सब कुछ ठीक है। एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में यहां हम रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। बस करो माल साहब, तुसी रेडी होके फिर शुरू हो गए, थोड़ी भी ना एनर्जी नहीं खत्म होंदी। सासीकाल फुफड़ जी। ओए सासीकाल, ओए 8 बजे तक कह के 11 बजे जाते हो तुसी। ये फुफड़ जी आंखी नहीं खोलदी, थक्या थक्या जा शरीर रहंदा, थोड़े च इस उम्रे भी पूरी फुर्ती है। ओए मेरी फुर्ती दा राज है वैद्यवान दा एक्स प्लस मर्दाना कोर्स, ते पिछले 30 वर्यां तो यही है मेरी सेहत दा राज। इम्यूनिटी बढ़ाउण दे नाल नाल मर्दाना ताकत लई यही रामबाण। चुस्ती फुर्ती ते जोश बढ़ाउण लई तुसी भी आज ही शुरू करो एक्स प्लस मर्दाना कोर्स। ANP न्यूज़ की एक विनम्र अपील, नए साल के उल्लास में दूसरों का भी रखें ख्याल। शराब पीकर वाहन ना चलाएं, पिकनिक स्पॉट्स पर तेज लाउड स्पीकर ना बजाएं, खुश रहें और दूसरों को भी खुशियां बांटें। इस अपील के साथ आप सभी को ANP न्यूज की ओर से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव 2019 में मिली हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष रहे राहुल गांधी ने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। राहुल को इस्तीफा दिए हुए 18 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक कांग्रेस को स्थायी अध्यक्ष नहीं खोज पाई है। कई मौकों पर पार्टी नेता यह बयान जरूर देते आए हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ही होंगे। अब कांग्रेस के दो नेताओं ने दावा किया है कि वायनाड सांसद राहुल गांधी अब भी कांग्रेस अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं है। वहीं एक अन्य तीसरे नेता ने कहा अब यह लगभग निश्चित ही है कि राहुल गांधी अध्यक्ष बनकर नहीं लौटेंगे। वहीं राहुल के बतौर पार्टी अध्यक्ष पद स्वीकार न करने की दशा में पार्टी के पास प्लान बी भी है। राहुल कांग्रेस के 136वें वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर रविवार को विदेश दौरे पर चले गए। राहुल का यह दौरा ऐसे समय में है जब हजारों किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि राहुल के विदेशी दौरे से जो संदेश कांग्रेस नेतृत्व में भेजा गया वह यह है कि राहुल पार्टी अध्यक्ष के लिए रूप में वापसी के लिए उत्सुक नहीं है। वहीं प्लान बी के अनुसार पार्टी अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी के अधीन काम करने के लिए 4 उपाध्यक्ष नियुक्त कर सकती है। रिपोर्ट के अनुसार उनकी उपस्थिति नाम मात्र शासक की तरह होगी। एक व्यक्ति के रूप में कोई भी उनका विरोध नहीं करता है, लेकिन 4 उपाध्यक्ष तब सामूहिक रूप से सभी निर्णय लेंगे। उनके पास 3 से 4 महासचिव भी होंगे। इस तरह की जानकारी इस समय मिल रही है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ राजीव तिवारी दिल्ली से हमारे संवाददाता इस समय फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। राजीव, ऐसी जानकारी इस समय मिल रही है, सूत्रों के हवाले से एक खबर मिल रही है कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद को एक बार फिर से संभालने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और वो लगातार मना कर रहे हैं कि वो अध्यक्ष नहीं बनेंगे। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, एक चीज तो स्पष्ट है, जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर फेरबदल किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अध्यक्ष पद के लिए भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी का जो नाम आ रहा था पहले, मगर राहुल गांधी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि वो राहुल गांधी वो अध्यक्ष पद के लिए तैयार नहीं है और ना ही वो दोबारा से अध्यक्ष पद के लिए आना चाहते हैं। मगर कहीं ना कहीं जो उनके शुभचिंतक है, यानी कि जो तो जो पार्टी के जो नेता हैं जो राहुल गांधी को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और राहुल गांधी को ही युवाओं का एक कह सकते हैं स्तंभ मान रहे हैं, वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को दोबारा से अध्यक्ष पद के लिए देखना चाहते हैं। मगर राहुल गांधी अभी तक
तैयार नहीं हुए हैं और कहीं ना कहीं राहुल गांधी के जो बाहर विदेश जाने की भी बात कही जा रही है वो भी कहीं ना कहीं इसी मध्य से इससे जुड़ती हुई नजर आ रही है। मगर बात करें जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो अध्यक्ष पद के लिए दोबारा नहीं आना चाहते हैं बल्कि पार्टी के अंदर से ही किसी को अध्यक्ष बनाया जाए, मगर कहीं ना कहीं अभी भी पार्टी के जो नेता है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को दोबारा से देखना चाहते हैं और शायद अगर राहुल गांधी नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी का नाम आना हो सकता है इसके अंदर। मगर अभी तक राहुल गांधी के लिए काफी हद तक वोटिंग की जा रही है, यहां तक कि काफी हद तक चुना भी जा रहा है राहुल गांधी को, मगर राहुल गांधी अभी इसके लिए तैयार नहीं है। जी, राहुल गांधी अध्यक्ष पद नहीं संभालते हैं तो ऐसे में कांग्रेस के पास दूसरा प्लान क्या हो सकता है? क्या वाकई में किसी और को अध्यक्ष पद की कुर्सी दी जाएगी या फिर कुछ और समय के लिए सोनिया गांधी ही पद पर बनी रहेंगी? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिल पा रही है वो अभी यही जानकारी मिल पा रही है कि राहुल गांधी अगर अध्यक्ष पद नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं दोबारा से सोनिया गांधी को अध्यक्ष पद बनाया जा सकता है, यानी कि अध्यक्ष के तौर पर दोबारा से बिठाया जा सकता है। मगर अभी भी राहुल गांधी के लिए ज्यादातर जोर दिया जा रहा है कि राहुल गांधी दोबारा से युवाओं को संभालने के लिए यानी कि पार्टी को संभालने के लिए वापिस आए दोबारा से अध्यक्ष पद के लिए। मगर अभी भी राहुल गांधी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि वो अध्यक्ष पद के लिए तैयार नहीं है बल्कि वो पार्टी के अंदर से जोर दे रहे हैं कि पार्टी के अंदर से ही कोई ऐसा नेता जो पार्टी की बागडोर संभाले। मगर अभी भी राहुल गांधी नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं सोनिया गांधी को दोबारा से दायित्व दिया जाएगा अध्यक्ष पद के लिए। जी, काफी समस्या लग रही है इस समय क्योंकि लगातार अध्यक्ष पद को लेकर खींचतान चलती रही है और तमाम जो आरोप हैं वो कांग्रेस पार्टी पर हमेशा से लगते रहे हैं राजीव, कि आप अध्यक्ष पद के लिए किसी और को मौका क्यों नहीं देते। ऐसे में अगर परिवार के बाहर से किसी की बात की जाए तो वो ऐसे कौन से बड़े नेता हो सकते हैं जिन्हें अध्यक्ष का पद दिया जा सकता है? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से लगातार पार्टी के अंदर से कई बार आवाज उठती आई है कि गांधी परिवार की ये पार्टी है और कहीं ना कहीं गांधी परिवार को ही इसके अंदर अध्यक्ष बनाया जाता है, मगर आप कहीं राहुल गांधी जब इस बात से इनकार कर रहे हैं कि वो अध्यक्ष पद के लिए नहीं आना चाहते हैं और पार्टी के अंदर से ही किसी को मौका देना चाहिए। मगर बात करें जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं ये आवाज जरूर उठ रही थी कि गांधी परिवार की पार्टी है, मगर अब राहुल गांधी इस मुहिम को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि वो अध्यक्ष पद के लिए नहीं आना चाहते और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि पार्टी के अंदर से ही किसी को चुना जाए ताकि कोई अध्यक्ष पद बन सके और पार्टी की जो बागडोर है वो उनके हाथ में दी जा सके। मगर अभी भी कहीं ना कहीं युवाओं का जो झुकाव है वो राहुल गांधी की तरफ है और देखना होगा सोनिया गांधी किसको दायित्व देती है। मगर अभी तक कहीं ना कहीं उम्मीद यही जताई जा रही है कि गांधी परिवार से ही कोई आए इसके बागडोर को संभालने के लिए। अगर राहुल गांधी नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी का भी नाम शामिल है उसके अंदर और कहीं ना कहीं ये देखना होगा क्या सोनिया गांधी दोबारा से आती है या फिर प्रियंका गांधी को दायित्व दिया जाता है या फिर पार्टी के अंदर जो बड़े चेहरे हैं यानी कि चुनिंदा चेहरे हैं उनमें से किसी को नाम दिया जाता है। मगर कभी भी कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर उठा पटक जारी है और कहीं ना कहीं जो जानकारी मिल पा रही है कि राहुल गांधी को दोबारा से दिया जा सकता है पद। जी राजीव, अभी शरद पवार ने जिस तरह से बयान दिया था कि राहुल गांधी में निरंतरता की कमी लगती है वो वाकई में सोचने योग्य भी है और ऐसा ही कुछ बराक ओबामा ने भी कहा था कि निरंतरता की कमी है, परिपक्वता की कमी है और शायद इन कमियों को समझते हुए ही राहुल गांधी नहीं चाह रहे हो कि वो इस पद को संभाले। और अभी जिस तरह से इतना अहम मौका है, देश में किसान आंदोलन चल रहा है और ऐसे में भी वो अपनी विदेश यात्रा पर चले गए, तो ये तमाम बातें सवाल खड़ा करती हैं कि वाकई में राहुल गांधी क्या उतने गंभीर नेता हैं जितना उन्हें होना चाहिए। देखिए एक चीज तो समझनी होगी, जिस तरीके से पार्टी के जो बड़े नेता हैं यानी शरद पवार ने पहले भी कहा था कि लगातार कहीं ना कहीं राहुल गांधी के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी है यानी कि युवाओं को जो खींचने की कमी है यानी कि युवाओं को अपनी तरफ अट्रैक्शन करने की कमी जो बताई जा रही है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के अंदर ये चीज तो है, मगर कि युवाओं को पूरी तरीके से अपनी तरफ नहीं खींच पा रहे हैं। बात करें किसान मुद्दे की तो कहीं ना कहीं किसान मुद्दे के लिए भी राहुल गांधी की तरफ से इतना प्रेशर नहीं दिया गया के किसानों की जो बागडोर थी वो संभाल सके, शायद इसी वजह से वो बाहर विदेश चले गए और शायद इसी वजह से ये कमियां दूर करने की कोशिश की जा रही है। मगर बात करें जिस तरीके से पार्टी को मजबूत करने की वो कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है, मगर पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर है ये पार्टी के अध्यक्ष को भी पता है यानी कि सोनिया गांधी को भी पता है और पार्टी के जो मुखिया है यानी कि राहुल गांधी जी या और नेता है वो सबको पता है कि पार्टी कितनी कमजोर हो चुकी है क्योंकि भाजपा ने पूरी बागडोर कांग्रेस की संभाल रखी और कहीं ना कहीं कांग्रेस को पिछड़ता हर जगह से पीछे पीछे कर दिया गया है। मगर कहीं ना कहीं इसके अंदर कमियां जो है
वो दूर करनी होगी और राहुल गांधी को कहीं ना कहीं युवाओं को अपनी तरफ खींचना होगा ताकि वोट बैंक उनका पक्का हो सके और कहीं ना कहीं और ज्यादा कांग्रेस के अंदर मजबूती आए। जी बिल्कुल, अभी तो कांग्रेस काफी कमजोर होती हुई नजर आ रही है। राजीव, जब इस तरह की बातें होती हैं कि वो अध्यक्ष पद के लिए ही अभी जो है परेशान हो रहे हैं, उनके पास कोई सक्रिय नेता इस समय नहीं है, कोई ऐसा बड़ा चेहरा उनको नहीं मिल पा रहा है जो एक मजबूत विपक्ष खड़ा कर सके, तो ये पार्टी के लिए वाकई में नुकसानदायक हो रहा है। कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है और एक समय में काफी बड़ी भी पार्टी रही, लेकिन अब जिस तरह का हश्र होता जा रहा है वो चिंताजनक है। ऐसे में किस तरह से इस संकट से कांग्रेस उभर पाएगी? हालांकि कांग्रेस के पास वरिष्ठ नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन वाकई में उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा। शायद यही वजह है कि पार्टी राष्ट्र के स्तर पर पिछड़ती जा रही है। राजीव, देखिए बिल्कुल एक चीज समझनी होगी, पार्टी के पास बेशक बड़े से बड़े चेहरे हैं और जो बड़े से बड़े नाम भी है, मगर कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर जो फूट है वो कहीं ना कहीं पार्टी को पीछे करती नजर आ रही है। मगर बात करें जिस तरीके से गांधी परिवार की, तो गांधी परिवार एक ऐसा चेहरा रहा है हमेशा के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए कि कांग्रेस पार्टी को गांधी परिवार ने ही आगे तक बढ़ाया और अभी तक लगभग 70 साल तक कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो बागडोर थी वो गांधी परिवार के हाथ में थी और कहीं ना कहीं उसको संभालने की जो भूमिका थी वो भी गांधी परिवार के अंदर थी। मगर अभी भी जो बड़े चेहरे हैं यानी कांग्रेस के साथ जो बड़े हुए बड़े नामी चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं इस दौड़ के अंदर शामिल हो सकते हैं। मगर एक चीज समझनी होगी, बेशक बड़े चेहरे हैं मगर पार्टी कितनी कमजोर है ये सबको पता है और इसी का फायदा कहीं ना कहीं भाजपा ने भी उठाया और भाजपा ने फायदा उठाने के साथ साथ सत्ता भी हासिल करी यानी कि प्रधानमंत्री तक की सीट जो है वो कहीं ना कहीं हासिल की। मगर बात करें जिस तरीके से कांग्रेस की, तो कांग्रेस बेशक कमजोर होती नजर आ रही है मगर कहीं ना कहीं जो उसकी कमियां हैं वो दूर करनी होगी और पार्टी को कहीं ना कहीं समझना होगा कि किस तरीके से वो दूर की जाती थी, क्योंकि जो उनका वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं उनसे नाराज हो चुका है और कहीं ना कहीं जो फूट है वो भी कहीं ना कहीं इसका कारण है। जब तक फूट खत्म नहीं होगी, कहा जाता है कि ज्यादातर घर के अंदर ही जब घर के व्यक्ति ही कहीं ना कहीं आपस में फूट रखेंगे तो बाहर का व्यक्ति तो कहीं ना कहीं उसका फायदा उठाएगा। वही चीज कांग्रेस के साथ भी हो रही है, जब तक जो अंदर की फूट है वो कहीं ना कहीं भाजपा ने फायदा उठाया उसका और कहीं ना कहीं भाजपा ने केंद्र के अंदर अपनी सत्ता बनाने के लिए कहीं ना कहीं जो बागडोर संभाली वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए फायदा हुआ। मगर कहीं ना कहीं आप कांग्रेस को भी समझना होगा कि उसके अंदर जो कमियां हैं वो दूर की जा सकती हैं मगर किस तरीके से की जाएंगी वो जरूर समझना होगा। जी बिल्कुल, काफी कमियां इस समय कांग्रेस के अंदर है और अब उन्हें दूर करना काफी जरूरी है। शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। और इसी के साथ बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।